कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन खेत मजदूर व किसानों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए, इस विषय पर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में गंभीर चिंतन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिहीन खेत मजदूर व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कृषि प्रधान इस देश की नितांत आवश्यकता है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित सेमिनार इस बात का परिचायक है कि अब इस दिशा में तेजी से कार्य होगा। सेमिनार का संचालन कर रही सामाजिक समरसता गतिविधि की प्रांतीय मीडिया प्रभारी पायल अग्रवाल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिहीन खेत मजदूर व किसानों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए, इस विषय पर देश भर के 40 विश्वविद्यालयों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इससे पूर्व कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, नेड निही फाउंडेशन के संस्थापक कन्हैया लाल, सामाजिक समरसता के राष्ट्रीय संयोजक श्याम प्रसाद, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख दीपक शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। सेमिनार का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स व सामाजिक समरसता द्वारा किया गया था। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सेमिनार को संबोधित करते हुए यह कहा, देखिए लोगों को चाहता है क्या कर सकते हैं, जिसमें से आज हम यहाँ पर अभी जो मेरी बातचीत हुई उससे जो मुझे समझ आया कि वी आर हियर टू स्ट्रेंथन नंबर वन एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर टू हाउ थ्रू सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, टू होम, नंबर थ्री टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। इस टाइटल में ही हर चीज जो समझ आ रही है, जो आपको एक विचार दे सकती है और जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अभी भी जैसे मैं बात कर रही थी, हम लोग को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देश है ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और हमको इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए आप जैसे स्टूडेंट्स की भी आवश्यकता है और हमारे डायस पर समक्ष लोग बैठे हैं, ये आपको एक कनेक्शन की तरह आपको आपके बारे में कुछ सोच आपको दे सकते हैं। जैसे कि कृषि हमारी संस्कृति भी है और हमारे देश की इकोनॉमी भी। नंबर वन, हियर वी आर असेंबल्ड टू डिस्कस लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी कृषि भूमि स्वयं की नहीं है, दूसरों की भूमि पे वो काम करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास देखिए दे हैव नॉलेज। अगर हम ये बात करते हैं, अगर दूसरी की कृषि पे काम कर रहे हैं तो उनको नॉलेज है। नंबर वन, उनपे अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं कि हम उनको मदद करें और वो अपने सेल्फ एजुकेटर्स बन जाए। ये एक आप लोग बहुत सोच सकते हैं और इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, क्यों अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो अपनी वो जगह छोड़ देंगे और दूसरी जगह जाएंगे। जैसे सर ने भी मुझे बताया, वो कुछ ऑटो रिक्शा चलाने लगते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, तो बेसिक उनकी नॉलेज का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। हमारी वो जगह जहाँ वो बना रहे थे वहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट्स खेत पे पहुँच के काम नहीं करना चाहते, तो हुआ क्या, एग्रीकल्चर बेस हमारा टॉपल डाउन धीरे धीरे हो रहा है। शायद मैं समझती हूँ, जितनी देर में मैं समझ पाई कि यह विषय चिंताजनक विषय है जिस पे यहाँ बैठ के मंथन हो रहा है कि ये पॉलिसीज हम उनको कहाँ तक पहुँचाएं, जो ऐसे नॉलेजेबल लोग हैं उनको किस माध्यम से हम लोग और एम्पावर कर सकते हैं और इस सेक्टर को इकोनॉमी ग्रोथ के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। सर एम आई राइट, दिस इज व्हाट वी वांट टू थिंक एज अ टू डिसाइड वी आर हियर फॉर। तो मैं आप इस मौके पर मौजूद अन्य अतिथि ने सेमिनार के बारे में यह जानकारी दी। मैं विक्रम राणा, जनरल सेक्रेटरी NCR बीट एंड टाल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। प्रोग्राम के बारे में, ये जो सामाजिक समरसता प्रोग्राम है ये खेतिहर मजदूरों के बारे में है। खेतिहर मजदूर ईंट भट्टा श्रमिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो
किसान के कार्य से बचने के बाद में समय बचता है मजदूर के पास में, वो ईंट भट्टे पर जाके काम करता है और ईंट भट्टे की जो श्रमिक हैं उन पे जो कानून है वे वही श्रमिक कानून है जो संगठित क्षेत्र के लिए है। ये एक असंगठित क्षेत्र है, इसके लिए देश में अलग ईंट भट्टा श्रमिक कानून बनना चाहिए, इनके लिए एक अलग से कोष बनना चाहिए। ये एक भविष्य निधि और ये जो इनका पैसा है जो उनका इंडिफिकेशन ना होने के कारण जो एक आज बहुत भारी पैसा भविष्य निधि कोष में पड़ा है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए ईंट भट्टे स्वामियों के लिए एक अलग से कोष बनना चाहिए जिसमें एक जो ई कार्ड है इनका, ई श्रमिक कार्ड है, वो हर मजदूर का बने और वो उस ई श्रमिक कार्ड के साथ में आयुष्मान जो भारत का जो सुविधाएं हैं, जो हमारे जितनी भी जो सरकारी सुविधाएं हैं वे सभी उसमें इंक्लूड हो जाए तो श्रमिक का कल्याण होगा। यदि उनके पास में भाई कुछ होगा नहीं, आप 5-7 कार्ड हैं और उन्हें सुविधा मिले ना तो वे करेंगे क्या, तो पलायन होगा। पलायन रोकने के लिए उनके लिए अलग श्रमिक नीति और ई श्रमिक कार्ड उन्हें पहचान मिलनी चाहिए। मैं प्रोफेसर रविंद्र शर्मा हूँ, इस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को हेड कर रहा हूँ विश्वविद्यालय मेरठ में, और आज हमारा ये एक दिवसीय संगोष्ठी है स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू द सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे यहाँ लगभग 60-65% लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, और इनमें से लगभग जो लोग कृषि पर निर्भर करते हैं अगर हम आंकड़ों के रूप में देखें तो लगभग जो है 50-55% लोग ऐसे हैं जो या तो बहुत सीमांत कृषक हैं जो बहुत छोटी सी खेती है उनके पास, या वो खेती ही मजदूर हैं। तो खेती ही मजदूर की समस्याएं जो है किसानों की समस्याएं जैसी हैं पर कुछ अलग हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए किसी परिवार में किसान के मजदूर के परिवार में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो अगर जो ब्रेड अर्नर्स है अगर उसमें कुछ हो जाता है तो एकदम परिवार को हेल्प के लिए परिवार की नीड को पूरा करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इमीडिएटली उनको मतलब असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो ये प्रयास है कि एटलीस्ट उन लोगों की जो आवाज़ है, उन लोगों की जो समस्या है उनके बारे में चर्चा हो और जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सुझाए गए जो सुझाव हैं वो हम सरकार और जो इस तरह की एजेंसीज हैं जो इस तरह के लगे हुए हैं, इनके प्रयास लगे हुए हैं, वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम कन्हैया लाल है और ब्रजघाट में मैं रहता हूँ। नेही नीड फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में जो बालक रहते हैं और माता पिता दोनों दिहाड़ी मजदूर करते हैं, ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव के कारण से जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों को अपने साथ रखकर पढ़ाने का काम हमारी संस्था करती है। ये पूरी तरह से एक आवासीय शिक्षण संस्थान है जहाँ निःशुल्क इस प्रकार के बच्चे रहकर पढ़ते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य यही है कि आज गांवों में ऐसे किसान, मैं उन्हें किसान ही कहूँगा क्योंकि वो खेती करते हैं लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है तो किसी दूसरे की भूमि में मजदूर के रूप में वो काम करते हैं लेकिन सच्चे किसान हैं वो भी। आज गांव में अनेक समस्याओं के कारण से और ऐसे भूमिहीन कृषकों को उचित वेतन, उचित सम्मान न मिल पाने के कारण से और वो बेरोजगार होने के कारण से आज वो गांव से पलायित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और बड़े बड़े महानगरों में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। यहाँ भी उनको शिक्षा दीक्षा उनके ठीक ना होने के कारण से, पूर्ण होने के कारण से वो झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। रोजगार के नाम पर रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, ऐसे छोटे छोटे काम करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर हम गांव में ही ऐसे भूमिहीन जो कृषक हैं उनको उचित रोजगार, उचित सम्मान, उचित वेतन, जीवन यापन की सुविधाएं अगर ठीक से उनको मिल सकी तो उनका गांव से पलायन रुक सकेगा, ऐसा विषय आज की संगोष्ठी का है, इसलिए मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। जी हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सरकार ही कर सकती है, ऐसे जो भूमिहीन कृषक हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, उनके लिए कोई स्वास्थ्य की योजना आ सकती है, उनके लिए शिक्षा की योजना आ सकती है, उनके बच्चों के लिए कोई अलग से विशेष विद्यालय खोले जाए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर
कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय खोला है ऐसे ही भूमिहीन कृषक और मजदूरों के लिए। तो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इस प्रकार की और योजनाएं आए ये भी आज की गोष्ठी में जो वक्ता है उन्होंने विषय रखा। संचालन कर रही डॉक्टर पायल अग्रवाल ने यह बताया। मैं डॉक्टर पायल अग्रवाल सामाजिक समरसता गतिविधि की प्रांत की मीडिया प्रभारी हूँ मेरठ प्रांत की। और आज विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ ही सामाजिक समरसता गतिविधि के सहयोग से आज हमने यह संगोष्ठी आयोजित की है। संगोष्ठी का विषय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन कृषक या मजदूर हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर चिंतन हेतु यह गोष्ठी आयोजित की गई है। और इसके पश्चात ये जो भी गोष्ठी का विषय होगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसे हम प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसके बाद इस वर्ग हेतु जो भी निर्णय लिए जाएंगे इनके हित हेतु इस हेतु कार्रवाई की जाएगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।